पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने की मांग तेज होती जा रही है। पाकिस्तानी खुद इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर 27 अक्टूबर से ही पाकिस्तान के कई शहरों में आजादी मार्च निकाला जा रहा है। तो गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुटे रहे। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए पीएम इमरान खान को दोषी मानते हैं और इस वजह से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में हो रहा है। दुनिया के सामने हाथ फैला रहे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आजादी मार्च चल रहा है और पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों का हुजूम आजादी मांग रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान की कुर्सी डगमगा सी गई है। इस आजादी मार्च की अगुवाई मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमाए इस्लाम के नेता हैं। उनके आजादी मार्च ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद उड़ा रखी है। 27 अक्टूबर से शुरू हुआ आजादी मार्च अब अपने चरम पर है। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं और सरकार की जड़ें हिलती हुई दिख रही हैं। मौलाना की मांग है कि इमरान खान सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं, इस वजह से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने ये आजादी मार्च शुरू किया है। एजेंडा बिल्कुल वाज़ह है और हमारा वहद एजेंडा है कि हुक्मरान अपना इस्तीफा पेश कर ले, और ये एजेंडा ये आज से नहीं, ये 28 जुलाई जो आखिरी 15 मिलन मार्च थे, तो उस मिलन मार्च के दौरान और सरजमीन क्वेटा पे कायद जमात ने ऐलान कर दिया कि हुक्मरानों सुन लो, अगस्त के महीने में मुस्ताफी हो जाए और इसमें आपकी भी इज्जत होगी और मुल्क की भी खैर है और आवाम की भी खैर है। मौलाना पाकिस्तान में चल रहे मदरसों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी एक आवाज पर इन मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे और इससे जुड़े दूसरे लोग जमा हो जाते हैं। अभी तक यही माना जा रहा था कि मौलाना के इस मार्च में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और वहाँ से जुड़े लोग ही शामिल होंगे, मगर अब आजादी मार्च को दूसरे राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। मार्च में शामिल नेताओं की सिर्फ एक ही मांग है कि इमरान खान इस्तीफा दें। उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने को कहा था, मगर वो पुराने को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। मौलाना कह चुके हैं कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की सरकार निकम्मी है। इमरान खान को चुनाव में धांधली कर सेना ने खुद गद्दी पर बैठाया है और वो इसके काबिल नहीं है। इससे साफ है कि इमरान खान कभी भी सत्ता से बेदखल हो सकते हैं और एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।